इंटरनेशनल लीग T20 2023, इसको इंटरनेशनल लीग कहें या UAE T20 लीग कहें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये लीग जो ऑफिशियल लीग है ये UAE का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। बट भाई इसको इंटरनेशनल लीग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे IPL, BBL, CPL और BPL जैसे लीगों में होता है कि उनके खुद के कंट्रीज़ के सारे प्लेयर रहते हैं, चार ओवरसीज खिला सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप सारे के सारे 11 के 11 प्लेयर अलग अलग कंट्री अलग अलग एसोसिएट नेशन के आप रख सकते हो, उनको प्ले करवा सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि ये बहुत कुछ बाउंडेशन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात की फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जैसे फुटबॉल में क्लब क्रिकेट होता है वैसा इसमें भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। अब बात करूँ अगर इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे इस लीग से रिलेटेड, टोटल 6 टीमें हैं, इसमें जैकपॉट टीम कौन सी है। जैकपॉट टीम वो टीम जो आपको बहुत पैसा कमा के देगी, 1 का 4, 2 का 3 ऐसा वाला। और एक है डेंजर टीम जिससे आपको बच के चलना है, वो जीते या हारे आपका नुकसान करवाएगी। एक है पंटर टीम जिसका साथ नहीं छोड़ना है, उसका साथ छोड़ने पर आपको नुकसान होगा, नुकसान तो नहीं होगा, वो आपको पैसा दे के ही जाएगी, बट साथ बनाए रखेंगे तो वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा और हमेशा पैसा कमा के देगा। तो मैं अब अगर बात करूँ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, MBHAITEST MATCH करके आएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और भाई आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 8960009942, ताकि आपको जो भी मैसेज जो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा आपको अपने को मैसेज कर दीजिएगा, आपको फिर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो या कुछ भी नई चीज़ आएगी उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो भाई इस लीग को फुल एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अवर चैनल महिमा क्रिकेट एनालाइजर। वीडियो स्टार्ट हो गई है और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पंटर टीम के बारे में। तो हमारी टीम को कौन कौन सी पंटर टीम होने वाली, तो इसमें दो टीमें पंटर टीम होने वाली, पहली दुबई कैपिटल, दूसरा है अबू धाबी नाइट राइडर्स। सबसे पहले पंटर टीम दुबई कैपिटल के बारे में बात करें, तो दुबई कैपिटल के नोट करने लायक चीज़ें जो ये है कि दिस टीम इज़ अमेजिंग एज अ बॉलिंग यूनिट। भाई ये टीम भाई एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत बढ़िया है भाई, और ये टीम जब जब आपको साजा और अबू धाबी में खेलती हुई नजर आएगी आपको इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और जब जब चेस पर रहेगी तो तब तब और भी नहीं छोड़ना, इनका साथ पकड़ के रखना है। इसमें जो की प्लेयर है हज़रतुल्ला जज़ाई, सिकंदर रज़ा, बी मुजरबानी, मुजीबुर रहमान, एक दो प्लेयर और है, बट ये चारों पर आपको नज़र बना के रखनी है। अबू धाबी नाइट राइडर्स भाई दूसरी जो अपनी भाई पंटर टीम है वो है अबू धाबी नाइट राइडर्स। भाई इनके लिए नोट करने वाली चीज़ बताऊँ तो भाई ये टीम जब भी आपको चेस पे मिले आपको साथ पकड़ के चलना है, और भाई इसको आप अवॉइड कर सकते हैं जब ये भाई बड़े टारगेट पे हो। जब आपको बड़े टारगेट चेस करने को मिले इस टीम को, आप वहाँ पर एग्जिट ले लीजिएगा, ये टीम इजीली हार जाएगी, उसको चेस नहीं कर पाएगी। हालांकि नाम बड़े हैं पर फिर भी नहीं कर पाएगी। की प्लेयर के बारे में बात करो तो जॉनी बेस्ट, चौथा असलंकम, अंधे रसिल, सुनील नारायण है। इसके अलावा भी कुछ बड़े नाम है पर ये चारों पर आपको नज़र बना के रखनी है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टीम, और किसी भी लीग में जैकपॉट टीम, उसमें दो टीमें हैं शारजाह वॉरियर्स और डेजर्ट वाइपर्स। इन दोनों टीमों को आपको ये नज़र बना के चलनी, ये टीम हारे या जीते भाई आपको अच्छा जैकपॉट दे सकती है, कभी जीत के कभी हार के, दोनों कौन कौन से कंडीशन में कैसे कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। शारजाह वॉरियर्स पहले जो अपनी जैकपॉट टीम है, तो भाई दिस टीम इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द विनर ऑफ दिस लीग। भाई ये टीम भाई ये लीग जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है। सेकेंड जो नोट करने वाली चीज़ है, दिस टीम कैन विन द जैकपॉट बाय लूजिंग टीम डिफेंडिंग द स्कोर। भाई ये टीम भाई डिफेंड करते वक्त अपने स्कोर को डिफेंड ना करके चेस करवा के ये टीम जैकपॉट दे सकती है। फॉर एग्जांपल भाई नवीनुल हक भाई जैकपॉट प्लेयर है, मान लीजिए भाई लास्ट ओवर में अगर 15 रन चाहिए तो ये टीम भाई दे सकती है, या भाई 15 ओवर में बन चुके हैं कुछ, लास्ट के 5 ओवर में चाहिए 50-60 रन, तो भाई ये टीम भाई देकर भी जीत सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो टारगेट है 165 कुछ ऐसा है, तो भाई ये टीम इजीली स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग करेगी, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा ड्यू फैक्टर आएगा उस टाइम ये बहुत ही घटिया खेलेगी और चेज करवा सकती है ये। अब सेकंड टीम है भाई डेजर्ट वाइपर्स। डेजर्ट वाइपर के लिए है भाई दिस टीम विल विन वेरी फ्यू मैचेस बट विल लॉस ऑल द मैचेस दे विन। और ये टीम है मोस्टली मैचेस हारेगी, ठीक है, और जो जो मैचेस हारेगी उसमें मोस्टली ये भाई जैकपॉट देकर जाएगी आपको। और जैकपॉट प्लेयर आपको याद रखना है कि भाई ये टीम भाई जब भी मान लीजिए सेकंड बैटिंग कर रही है, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग की हुई सेकंड बैटिंग में डिफेंड कर रही है, तो टॉम करन और सेडन कॉल्ट्रेल पे आपको नज़र बना के रखना है। ये दोनों प्लेयर एक ओवर में 15-16 रन देकर अपनी टीम को हरा के सामने वालों को जिता सकती हैं। तो अगर
लास्ट के 5 ओवर 6 ओवर में कुछ बड़े स्कोर चाहिए, बड़े स्कोर बनाने हो तो आप आराम से, अगर इनके ओवर बचे तो आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। तो सर कॉलिन मुनरो भाई, कॉलिन मुनरो भाई एक ऐसे प्लेयर है कि वो जल्दी आउट हो जाएंगे, बॉल बीट करके जाएंगे और अपनी टीम को हरवा देंगे, उस टाइप के प्लेयर। हालांकि कैप्टन भी है और अपनी सेकेंड टीम है डेंजर टीम, थर्ड टाइप ऑफ टीम जो है वो डेंजर टीम है, किसी भी लीग के लिए और इंटरनेशनल T20 के लिए भी डेंजर टीम है अपनी गल्फ जाइंट और MRI इमीरेट्स। भाई MRI इमीरेट्स भाई मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये इनसे आपको बच के चलना है। रीज़न क्या है भाई, नाम बहुत बड़े हैं प्रदर्शन छोटे हैं। बात करूँ गल्फ जाइंट के बारे में तो इसमें जो नोट करने लायक चीज़ें, दिस टीम हैज़ नेदर बैटिंग नॉर बॉलिंग, जस्ट अ गुड कोच एंड कैप्टन हु इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, अगर इस टीम के बारे में बात करिए ना, इसके पास बॉलिंग है ना इनके पास बैटिंग है, इनके पास है तो एक बहुत अच्छा कैप्टन और बहुत अच्छा कोच। कैप्टन जो है कि वो बहुत डेंजरस, क्यों डेंजरस है मैं बताता हूँ भाई। इसमें जो डेंजर प्लेयर हुए टॉम बेंटन, जेविंस सिमरन हिटमायर। टॉम बेंटन जेविंस भाई इसलिए घातक है, अगर भाई टारगेट है 130-140 और आप छोड़ देंगे भाई डिफेंड हो जाए, ये दोनों आउट हो जाए, ये दोनों भाई नहीं आउट होंगे, बहुत ज़बरदस्त मारेंगे। अगर भाई मान लीजिए भाई स्कोर है 180 तो उस दिन भाई ये बॉल बीट करेंगे और आउट हो जाएंगे, तो भाई इस बात को नोट करके रखिएगा। सिमरन हिटमायर भाई ये इनका 50-50 है, मैं अब डेंजरस तो नहीं मानूंगा। मान लीजिए भाई फर्स्ट बैटिंग कर रही है, जल्दी विकेट गिर गए हैं, थोड़ा सा स्कोर बढ़िया चाहिए, तो हो सकता है भाई सिमरन हिटमायर अच्छा खेल जाए, बट चेस करने वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिमरन हिटमायर के चांसेस बहुत ही लो है, चाहे ड्यू रहे या कुछ भी रहे, आपको इनके साथ नहीं चिपकना है। क्वालिटी प्लेयर के बारे में बात करें जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, डेथ में अच्छी बैटिंग करके जिता सकते हैं, अच्छी बॉलिंग करके जिता सकते हैं, वो है भाई डेविड विजय, अच्छी बैटिंग बॉलिंग से जिता सकते हैं, और विलियम डाउसन ये भी अच्छी बॉलिंग बैटिंग से आपको कोई भी मैच निकाल के दे सकते हैं। इन दोनों पे भाई आप जैकपॉट का भरोसा रख सकते हैं, बाकी ये बाकी पूरा टीम डेंजर टीम है और भाई आपको नुकसान करवाने के लिए ही ये जी रहा है, ये इस टाइप की टीम है किसी भी लीग की, मतलब अपनी लीग की इंटरनेशनल T20 लीग की सबसे आखिरी टीम, छठवी टीम MRI इमीरेट्स जो कि है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज। तो इस लीग इस टीम के बारे में बात करें, द बैटिंग यूनिट ऑफ द टीम इज ऑफ नाम बड़े दर्शन छोटे। भाई इनका भाई इनके जो प्लेयर्स है बैटिंग यूनिट है भाई इनका नाम बड़े दर्शन छोटे, बहुत बड़े बड़े नाम है पर इनके दर्शन छोटे रहने वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टीम, वेदर यू विन और लॉस इट विल ओनली हार्म यू। भाई ये टीम जीते हारे आपको हमेशा नुकसान करवा के देगी, और बॉलिंग इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट दिस इज नॉट, इनका बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है दिखने में बट भाई इनके पास डेथ नहीं है, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इनके पास डेथ बिल्कुल भी नहीं है। ड्वेन ब्रावो दिखते हैं आपको, बट ड्वेन ब्रावो का एज हो गया, वो बात इनके बॉलिंग में नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ड्वेन ब्रावो भाई अब डेथ में बॉलिंग में धार नहीं, पर फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त ये भाई स्कोर दे सकते हैं, पर सेकेंड बॉलिंग करते हुए अगर भाई कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट है तो भाई ये वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करने लगेंगे, तो ये आपको नोट करके चलना है। बात करें भाई इमीरेट्स के डेंजर प्लेयर के बारे में, तो निकोलस पूरन स्कोर छोटे तो भाई ये बहुत अच्छा खेलेंगे, स्कोर बड़े टारगेट बड़ा है तो ये भाई नहीं चल पाएंगे, जल्दी विकेट गिर गया है, इनके ऊपर मैच है, थोड़ा सा चाप चाहते हैं टिक के खेले, रन बड़ा अच्छा बनाए तो ये आउट हो जाएंगे। ड्वेन ब्रावो की बात करें, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए भाई ये डेथ में अब इन पर भरोसा रखेंगे, एक ओवर में 14-15 रन देकर टारगेट को बढ़ा देंगे और इनके प्लेयर चेस नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड बॉलिंग बैटिंग करते हुए आप सोचेंगे, कि सामने वाली टीम जीत जाए, एक ओवर में 14 रन दे दे, 15 रन दे दे, मतलब लास्ट के दो ओवर में 28-28 रन दे दे, तो ये भाई वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और भाई 5-4 रन ऐसा देंगे। अब बात करते हैं भाई तीसरे डेंजर प्लेयर कैरन पोलार्ड के, भाई कैरन पोलार्ड भाई वो पहले ऐसा इनके पास वो नहीं है स्पीड वगैरह, ठीक मतलब पावर नहीं है, बट भाई कुछ कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेल जाएंगे और मैक्सिमम मैचेस में भाई ये खाली टिक टुक 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 करके झेल के आउट हो जाएंगे। इमरान ताहिर की बात करें भाई एज हो गया है, काफ़ी अच्छे इनके चाम है, बट भाई ध्यान रखिए कि बड़े मैचेस में ये नहीं चलेंगे, हाँ जिसमें भाई टीम ऑलरेडी जीत रही है अच्छा बॉलिंग करके जिता देंगे, बट बड़े मैचों के लिए ये बंदा अब बात करते हुए क्वालिटी प्लेयर के, बस फजलुल्लाह फारूक, ट्रेंट बोल्ट, समित पटेल और नसीबुल्लाह जारदा, इन चारों प्लेयर पे आप भरोसा रख सकते हैं, ये टीम ये चारों जिता सकते हैं, आपको कोई भी मैच कहीं से भी निकाल के दे सकते हैं आपको। बॉलिंग में अगर बात करें फजलुल्लाह फारूक, ट्रेंट बोल्ट, समित पटेल है, एक थॉम्पसन करके भी अगर ये चारों है तो आपको भरोसा रख सकते हैं कि ये टीम अभी भी जीत सकती है, पर इसके अलावा भाई सारे प्लेयर्स आप खाली हराने के लिए ही बने हुए हैं।